हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोग हमेशा अच्छे रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं में दारी अल्टीशरा को स्वागत है किसी एपिसोड में। तो भाई, आज हम खड़े हैं जीके 2 में और हम आए प्रिंस पान पान गाइस। दोस्तों, पूरा नाम भाई प्रिंस पान पान गाइस। और दोस्तों, यहाँ पर एक चार्ट का ऑप्शन भी है। तो भाई, पहले फटाफट अंदर चलिए, मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ मिलता है और क्या कैसा है ये। तो भाई, अब हम अंदर आ चुके हैं और मैं पूछता हूँ कि क्या क्या इन पे कौन से पान है। ठीक है भैया, कौन से कितने तरीके के पान है आपके पास? मीठा है, मतलब बहुत फ्लेवर से, अभी लाल मीठा है, सादा है, चॉकलेट है, गुड्डी है, मतलब अभी यही है, अभी यही है। और प्राइस की कितना आएगा? मीठा 50 का है, चॉकलेट 70 का है, और सादा 40 का है, 80 की गुड्डी है, एक प्लेट पे चार पीस आते हैं। अच्छा, और क्या क्या भी है यहाँ पे? और क्या क्या है? ड्राई फ्रूट पान होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, मैंगो होता है, वो आपको कल से मिलेगा। कल से मिलेगा वो? तो भाई, आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मतलब मैं आज जो पान के क्रॉस फ्लेवर अभी अवेलेबल है मैं वही लूंगा, और बाकी का मैं कल का कुछ वो नहीं करने वाला। मैं आज जो पान के पास अवेलेबल है मैं वही लेने वाला हूँ। तो भाई, अगर आपने प्राइस सुन लिया हो तो अच्छी बात है, वरना बाद में आप आराम से देख सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरे पान का जो प्राइस होगा। और भाई, ये दुकान है पूरी। ये पूरा फ्लेवर है, ये पूरा इनका मेन्यू है, ये आप आराम से देख सकते हो। हो गया पैक पैक। ओ भाई, अब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ दो पान, कोई भी दो पान मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। भैया अंकल, एक मीठा और एक खट्टा। खट्टा पान, खट्टा और सादा पान, मीठा और सादा। खट्टा पान क्या होता भाई? अभी हमने दोनों पान ले लिए हमारे, अब घर पे जाके आपको पूरा टेस्ट बताऊंगा कि क्या कुछ मिलता है, कैसा पान हमको लगेगा। तो भाई, फटाफट घर जाके आपको दिखाते हैं, और पान का प्राइस मैंने आपको पहले बता दिया है। भैया, एक चॉकलेट पान दे दीजिए। भाई, मैंने एक चॉकलेट पान का ऑर्डर भी दे दिया, अब यार 3 पान करें टोटल। तो अभी मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा, और बाकी सारी बातें हम घर पर बात करेंगे अब आपसे। बोलू तो भाई, मैंने पान ले लिया, अब मैं गोलगप्पे का भी ऑर्डर देने वाला हूँ। और गोलगप्पे का अगर आप यहाँ पे आओ तो टोकन आपको ऊपर से लेना पड़ेगा। ये भाई गोलगप्पे का टोकन है, यहाँ पे मैं गोलगप्पे लेने वाला हूँ, और गोलगप्पे हम घर पे जाके टेस्ट करेंगे, और आपको मैं बता दूंगा गोलगप्पे का पूरी पैक करवाने वाला हूँ। गोलगप्पे घर पे लेके जाके टेस्ट करने वाले हैं गोलगप्पे, तो फटाफट आपको पैक करवा के दिखाता हूँ मैं। भैया, ये 5 गोलगप्पे कितने गया? 40 भाई, 40 रुपये के 5 गोलगप्पे हैं। और भैया, जो ये वाली दुकान है, ये जो दुकान है, ये पान गैस के सामने ही है, मतलब आओ तो कभी, पान गैस के सामने ही ये दुकान है, और ये उन्हीं की दुकान है, मतलब ये पान गैस की दुकान है। तो भाई, ये ले लिया मैंने, ये गोलगप्पे ले लिए। और भाई, अब हम सारी बातें आपसे घर पे जाके करूँगा, मैं पूरी आपको बताऊँगा कि हमने क्या क्या किया और क्या कुछ है, पूरा आपको दिखाऊँगा घर पे जाके। तो फटाफट घर पे चलते हैं। भाई, मैंने 3 पान लिया, आप ये देख सकते हो, और 3 पान लिए हैं, और 4-5 गोलगप्पे लिए हैं। भाई, ये 40 रुपए के 5 गोलगप्पे लिए हैं। अब भाई, इसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, जो 10 के 4 गोलगप्पे मिलते हैं उनके साथ कंपैरिजन करूँगा कि भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा बढ़िया है, खाने में कौन सा सही रहेगा। तो फटाफट घर पे जाके आपको दिखाता हूँ मैं और कंपैरिजन इनका। तो भाई, अब मैं 40 के भी गोलगप्पे ले चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि ये कितने गोलगप्पे देंगे आप। भैया, 10 के कितने गोलगप्पे? 4। तो भाई, 10 के 4 गोलगप्पे हैं, तो मैं 20 रुपए के ले रहा हूँ गोलगप्पे यहाँ पे, और 20 रुपए के हो जाएंगे 8। 20 के कर दो पैक। तो भाई, ये जगह का नाम है प्रिंस चाट भंडार, गोलगप्पे, टिक्की, दही बल्ले और बर्गर। तो भाई, अब मैं आपको फटाफट कंपैरिजन दिखाऊंगा। तो भाई, यहाँ के गोलगप्पे करीब करीब डबल हो गए एज कम्पेयर टू जीके 2 के गोलगप्पे, उसे डबल हो गए, क्योंकि भाई लोकेलिटी का भी काफ़ी फर्क पड़ता है, जैसे ये वो जीके 2 है, ये तुगलकाबाद है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इतना मतलब ऑलमोस्ट डबल पड़ जाता है कि गोलगप्पे डबल हो जाते हैं लगभग। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि टेस्ट क्या है। तो भाई, ये ले लिए मैंने गोलगप्पे,
फटाफट आपको घर पर चल के फटाफट दिखाता हूँ कि क्या कुछ है, और पान भी बताऊंगा और गोलगप्पे दोनों चीज बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने होम स्वीट होम में, ठीक है भाई। जो मैंने गोलगप्पे लिए है ना, एक तो मैंने लिए है वहां से, क्या नाम है, प्रिंस चाट भंडार से, बेस्ट चाट ऑफ जीके वन, और पान वान का सबसे बेस्ट कॉर्नर है जीके वन का। वो उनकी एक फ्रेंचाइजी कह लो या सेकंड शॉप कह लो या सेकंड ब्रांच कह लो, वो है हमारी जीके टू में। एड्रेस अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और भाई वहां से गोलगप्पे भी, वहां से मिले गोलगप्पे 40 के 5, ठीक है भाई। अपने पे स्लिप भी है उसकी शायद, तो अभी दिखा देता हूँ आपको स्लिप। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको स्लिप भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये 3 स्लिप है, ठीक है भाई। ये पहले 90 वाली स्लिप है, इसमें हमने खाली एक तो मीठा पान और एक सादा पान ऑर्डर किया था, जो 50 का 40 का मिला, 90 का मिला, ठीक है भाई। फिर आपको पता हमने खट्टा पान भी कहा था उसमें, तो वो खट्टा पान हमें नहीं मिला, तो उसके बाद हमने किया चॉकलेट पान ऑर्डर, तो वो 70 का मिला हमें, ठीक है भाई। ये साइड में देखते हैं, देखते रहो आप लोग साथ में। और भाई जब गोलगप्पों की बारी आई तो मुझे पान का तो चलो फिर भी समझ आ गया था कि चलो पान की बात है भाई, लेकिन जब क्या नाम है, जब पान की बात में, चलो मैं पान कभी खाया नहीं है क्योंकि, तो हमने इसमें 70 का हजम कर लिया कि जो 70 का पान है, 50 का पान, 40 का पान है भाई। लेकिन गोलगप्पे 40 के 5 दे रहे हैं, बताओ वहाँ पे हद ही कर दी बिल्कुल यार। देखो पान का ऐसे हमने गोलगप्पे लिए 40 के 5, ठीक है। आपको सबको दिखा देंगे भी अभी वीडियो के साथ साथ, लास्ट तक देखते रहना पूरा, ठीक है। और भाई ये देखो ऐसे बिल भी मिला हमें, ठीक है भाई। ये तो हो गए गोल बिल की बात कि भाई हमने कितने कर लिया भाई। फिर जब हम अपने एरिया में आए, यानी तुगल के बाद एक्सटेंशन में आए, तो भाई हमने वहां से गोलगप्पे लिए ये वाले, ठीक है। तो हमने गोलगप्पे लिए यहाँ से, ठीक है। तो भाई इसमें गोलगप्पे हैं ये देखो, ठीक है। ये पानी भाई लीक हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है, इसे उठाना पड़ेगा भाई। ये देखो ये आए हमें, जो उसके अंदर की फिलिंग होती है आलू और चने की, वो है ये चटनी अपनी, ठीक है भाई। ये मिले अपने को 20 के 8, ठीक है भाई, लगभग डबल का अंतर हो गया, ठीक है ना। उन्होंने 40 के 5 दिए, वो 80 के 10 देते हमको, हमें 20 के 8 मिल गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात हुई है, शायद मैं पहली बार लाइफ में इतने महंगे गोलगप्पे खा रहा हूँ, क्योंकि हम तो गोलगप्पे वहाँ से कम बाहर निकलते हैं, तो इसलिए हम यही 20 के 8 वाली खाते आए हैं। और भाई आ गई ये पान की बारी, अब 3 पान थे भाई वहाँ पे, तो ये देख लो उन भाई साहब ने हमें मार्किंग करके दी है। ये देखो ये सादा पान है ये, ठीक है भाई। पैकिंग का एक बात कहनी पड़ेगी भाई, पैकिंग काफ़ी सॉलिड है इनकी पान की। गोलगप्पों के बारे में बाद में बात करते हैं। ये है भाई अपना चॉकलेट पान, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं लिखा भाई, लास्ट में लिया था, ठीक है भाई। और ये है अपना मीठा पान, ठीक है भाई। ये 3 पान लिया अपन ने भाई, वो तो सॉलिड गत्ते की पैकिंग है, ठीक है। आपको रेट मैंने आपको पर्ची में दिखा दिया, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और भाई 3 टिशू दिए हैं, 1, 2 और ये 3 भाई, जिनके मिले हैं टिशू, ठीक है, क्या आप अपना पान थूक के और मुंह साफ कर सकें, अच्छे से थूक सकें आप लोग, ठीक है भाई। तो ये होगी टिशू की बात, और ये होगी पान की बात, ठीक है भाई। ये 3 पान मिले अपने को वहाँ से, ये देख लो ऐसे हैं भाई। देखोगे तो ध्यान से, अगर इसमें काफ़ी रॉयल पैकिंग करने की कोशिश करी है, जो ग्रीन और जो गोल्डन सी दी है, काफ़ी अच्छी पैकिंग करने की कोशिश की है उन लोगों ने, ठीक है, इसमें कहना पड़ेगा हमें भाई। लेकिन पान बनाने में ज़्यादा कुछ खास टाइम नहीं लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बात है, मेरे को लग रहा है उनके पास शायद पहले से तैयार थे, उन्होंने पैक करके पकड़ा दिए बस। और भाई आती है बात गोलगप्पों के ऊपर भाई, हमने 40 रुपये दिए हैं, तो भाई पैकिंग सॉलिड होगी, ठीक है। ये देखो भाई हमें लिफाफे में मिले हैं गोलगप्पे, ठीक है। तो ये देखो भाई लिफाफे में मिले अपने को मस्त, एक सेफ इन्वायरमेंट वाली बात है यहाँ पे, ठीक है भाई। बात तो हुई थी भाई 5 की, लेकिन दे दिए लौंडे ने 6, ठीक है। ये और देख लो, शायद इतना सामान लेने पे गोलगप्पा फ्री मिलता हो, है ऐसा भी होता होगा शायद, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। और भाई ये रहा अपना सामान, ये देख सकते हैं आप, आलू में सब कुछ, हर चीज़ में अभी डिफरेंस चेक होगा। और ये चटनी है, और ये पानी है, पानी के अंदर इसमें बूंदी, उसमें बूंदी नहीं है, एक बात ध्यान रखना। तो चलो निकाल लेते हैं उसको भी और इसको भी, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने पूरे गोलगप्पे परोस लिए हैं, ठीक है भाई। आपको देख के पता लग गया होगा कौन से गोलगप्पे कहाँ से आए हैं, ठीक है भाई। एक इत्तेफाक की बात है, वो प्रिंस चाट भंडार था जहाँ से हमने 20 के 8 गोलगप्पे लिए थे, ठीक है। और जो हमने दूसरा लिया था, जो मतलब हम अच्छी स्टैंडर्ड वाली जगह गए थे, बढ़िया जगह गए थे पॉर्श एरिया में, वो था भाई प्रिंस पान, है ना, पान गाइस, ठीक है भाई। वो भी एक था कि भाई प्रिंस चाट का, वो भी एक एडिशन, तो दोनों प्रिंस चाट हैं, ठीक है, नाम सेम है बिल्कुल। और देखते हैं कि क्या
सामान भी सेम है भाई। पहला जो डिफरेंस आपको नजर आएगा ना भाई, गोलगप्पे का साइज देख लो, ठीक है, इससे थोड़ा और जस्टिफाई होगा। गोलगप्पे का साइज देख लो भाई, ठीक है भाई, गोलगप्पे का साइज है जो इसकी टक्कर का भाई, इसके तो 8 गोलगप्पे गिन लो, ठीक है, और इसके 6 गोलगप्पे हैं भाई। साइज तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा, साइज भाई साइज में तो ये जीत गया भाई। जो आलू आलू दिए हैं वो भी इसने ज्यादा दिए हैं, इसने कम दिए हैं, ठीक है। और भाई बात आती है चटनी पे, देखो चटनी देखो यार, इसकी चटनी पर काफी नेचुरल सी लग रही है, ये टोमेटो केचप वाली नहीं लग रही, जो इमली भिगो के बनाते हैं ना वैसी चटनी लग रही है बिल्कुल, ठीक है। और स्मेल भी काफी अच्छा, अरोमा है काफी, ठीक है। और भाई ये देखोगे तो आप, ये देखोगे भाई जो ये कुछ अलग लग रही है भाई, ठीक है। तो चटनी में भी भाई मेरे को तो जो हम लेके आए हैं 40 के 5 वाले गोलगप्पे वो ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहे हैं, चटनी वाइज भी और गोलगप्पे के साइज वाइज भी, ठीक है। ये देखो भाई पानी देखोगे तो इसके पानी में बूंदी है, ठीक है, और पानी लगभग दोनों ने बराबर ही दिया है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि 8 वाले गोलगप्पे को पानी थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, नहीं जो 8 वाले गोलगप्पे वाला पानी है भाई वो थोड़ा कम है, ठीक है, प्रिंस चाट भंडार वाले का, और जो प्रिंस चाट है खाली उसका पानी ज़्यादा है, ठीक है, उसके गोलगप्पे भी कम है। तो भाई ये मेजर डिफरेंस है इसके अंदर, पहले गोलगप्पे खाते हैं टेस्ट बताते हैं, फिर आपको चाट पान को बिल्कुल लास्ट के लगते हैं, ठीक है, क्योंकि पान हमने पहले कभी भी नहीं खाया, पहली बार है, और देख के बताते हैं आपको। तो भाई मैं ये गोलगप्पा ले रहा हूँ, तोड़ता हूँ भाई, जो देखने में शक्ल सूरत में जो मामला है ना वो आपका जो प्रिंस चाट है वो आपका मन मोह लेगा, जो हम जीके टू एम ब्लॉक मार्केट से लेके आए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस दे दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा, ठीक है। ये देखो भाई मैंने थोड़ी फिलिंग डाल दी आलू की और इसकी चने की, ठीक है, चटनी डाल रहा हूँ, ठीक है भाई, और पानी भी डाल लेता हूँ, आपको बताते हैं कि कैसा खाने में। भाई देखो गोलगप्पा फूटा नहीं है, पानी भर चुका है उसके अंदर, ठीक है। तो भाई इसका गोलगप्पे का टेस्ट मेरे को काफी अच्छा लगा, ठीक है भाई। गोलगप्पे का जो साइज है वो भी काफी बड़ा है, मतलब पानी वानी अच्छे से आ जाता है खूब, और इसका साइज काफी छोटा है भाई, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और मेरे को इसका गोलगप्पे का टेस्ट सही लगा, और अब इसका खा के देखते हैं, इसका तो मैं खैर ऐसे पहले भी खा चुका हूँ, तो आपको ये सामने भी एक बार खा लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसा है, तो फटाफट भरते हैं और खा के देखते हैं। तो भाई गोलगप्पे भर चुका हूँ मैं, तो भाई देखो चटनी भर रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है भाई, और अब उसको पानी में पानी भर देते हैं इसके अंदर, थोड़ा चेक भी जाएगा कि फूटा फाटा तो नहीं है गोलगप्पा, नहीं भाई देखो छेद तो नहीं है गोलगप्पे के अंदर, पानी भर चुका उसके अंदर, ठीक है। और आप खा के बताते हैं आपको कि कैसा है, भाई देखो सामान अलग अलग है ना, लेकिन टेस्ट का लेवल एक ही है, आप ऐसा कह सकते हैं कि गोलगप्पे हैं। इसका पानी थोड़ा ज़्यादा तीखा है जो ये वाले हैं 8 वाले गोलगप्पे हैं जो, और जो 6 वाले गोलगप्पे हैं इनका थोड़ा टेस्ट कम तीखा है, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई गोलगप्पों की, लगभग सेम ही है भाई। तो मैं ये तो कहूँगा कि भाई 20 वाले ले लो, ये ज़्यादा बड़ा 20 है, मुँह में फिट होने में दिक्कत हो किसी को तो फिर वो भी बात हो सकती है, ये भाई मुँह में ही फिट हो जाएगा हर किसी का, भाई आपका पर्सनल ओपिनियन है। फिर मेरे को तो भाई दोनों सही लगे, सेम लगे, ठीक है, नहीं तो आपको जनरली बता देते हैं कि भाई कौन सा सही है कौन सा नहीं, मेरे को सेम ही लगे लगभग, ठीक है। तो भाई ये आपके ऊपर है, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको गोलगप्पे तो पसंद आए होंगे। अब पान खाते हैं भाई, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे पान के साथ। तो भाई जैसा कि आपने गोलगप्पों में देखा कि दोनों मेरे को सेम लेवल के लगे, ठीक है भाई। ये देखो ये सादा पान है अपना, ये मीठा पान है अपना, और ये चॉकलेट वाला भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा वजन है मेरे को इसमें लग रहा है, इसमें थोड़ा कम लग रहा है, और इसमें सबसे कम लग रहा है, ठीक है भाई। वेट के अकॉर्डिंग सबसे कम, मीडियम और सबसे हाई, ठीक है। तो आप ये वेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब फटाफट इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले इसको देखते हैं खोल के कैसा कुछ है अंदर। भाई यहाँ पे वैरायटी बहुत सी, ड्राई फ्रूट पान था और कई सारे पान थे, मुझे नाम भी ध्यान नहीं है, तो भाई वो अवेलेबल नहीं थे आज। तो अगर आप कभी जाओ, एड्रेस डाल देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके खाना कभी चेक करना। और इसमें भाई देखो ये निकला है, तो भाई इसमें से एक पान निकला और एक ये निकला है, ठीक है, ये पर्ची सी, ठीक है भाई। अरोमा पूरे कमरे में फैल गया, इसको खोल के देखते हैं फटाफट इसमें क्या क्या है।
ओहो भाई, जैसे मतलब पान की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। देखो ये गोल्डन था, ये सिल्वर हो गया है, इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है इससे। ठीक है भाई, ये खुल गया हमारे दो पान। तीसरा अला दिन का चिराग खोलते हैं हम, खुल जा सिम सिम। ओहो हो 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 भाई, ये तो सबसे गजब लग रहा है देखने में, ये तो भाई खाना ही पड़ेगा। चॉकलेट में पूरा लिपटा हुआ है ये, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई देखने में, काफ़ी गजब का बिल्कुल। ये ऐसे भाई मैंने कभी भी नहीं खाया, कभी देखा भी नहीं है, मतलब ऐसा मैं बता सकता हूँ, क्योंकि पान में मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। ठीक है भाई, इसको तो कुछ खोलने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको ये दिखाते हैं सादा वादा कैसा है। ठीक है भाई, मतलब वेट इसलिए लग रहा था क्योंकि उसमें पान में पूरी रैपिंग हुई हुई है इसीलिए। तो भाई ये खुल के अपना सादा पान, आहा हा खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद कल का ताला। और भाई ये भी अपना खुल गया है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। ओहो हो हो भाई, ये भी पान काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, मीठा पान भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलो भाई, शक्ल तो बहुत देख लिया अपन ने, अब खा के बताना है कि कैसा कुछ होने वाला है। ठीक है ना, काफ़ी रोमांचक हो गया भाई मेरे लिए तो, काफ़ी एक्साइटिंग हो रहा है कि खाएंगे कौन सा और क्या टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज तक कभी पान ट्राई नहीं किया और वो भी ऐसे। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपनी एक्साइटमेंट के लिए भी और हमारी एक्साइटमेंट के लिए भी। ठीक है ना, तो भाई बने रहो, अभी आपको शक्ल दिखा के पान खाते हैं। तो भाई ये सादा पान देख सकते हो आप, ये लिखा हो सादा, भाई इसको खा रहा हूँ मैं सादे पान को, पहले कभी ट्राई नहीं किया, पहली बार खा रहा हूँ सादा पान, देखते हैं कैसा होगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, गजिया मुंह का टेस्ट पूरा बिगड़ गया मुझे पान खा के, बिल्कुल पहले कभी खाया नहीं है। तो ये तो था बिल्कुल बिल्कुल बेकार लगा सादा पान में, कोई मजा नहीं आया मेरे को। अब ट्राई करता हूँ मीठा पान। तो भाई ये मीठा पान, भाई उस पान ने मैं सही बताऊँ मेरा पूरा मुंह का टेस्ट बिगाड़ दिया, पूरी ऐसी तैसी हो गई मेरी। अब ये मीठा पान इसको खा के देखता हूँ इसको क्या होगा, खा के क्या होगा। तो फटाफट ट्राई करता हूँ, ये पूरा नहीं खाने वाला, वो गलती कर दी पूरा खा के, ये थोड़ा सा ही खाऊंगा। इसका टेस्ट उससे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा। इसको खा के मुझे थोड़ा सही लगा टेस्ट का, मुंह का टेस्ट वापस आ गया थोड़ा, उसमें तो कुछ था ही नहीं, उसमें ऐसा लगा पता नहीं क्या चीज है, वो काफी कड़वा था और ये मीठा है तो अच्छा लग रहा है काफी है। तो फटाफट आप चॉकलेट वाला टेस्ट करते हैं। तो भाई ये तीसरा वाला चॉकलेट वाला पान, इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ, तो अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ फटाफट। मुंह में चिपक रहा है, काफी ज्यादा चिपक रहा है मुंह में, टेस्ट इसका बहुत ज्यादा सही है, उन दोनों से ठीक है, ठीक नहीं मतलब बढ़िया उन दोनों से। और खाता हूँ थोड़ा सा, चॉकलेट ही चॉकलेट है भाई इसमें, और चॉकलेट काफी ठीक लग रही है। तो सबसे नंबर वन पे मैं आपको दिखाऊंगा, सजेस्ट करूंगा ये वाला, दूसरे नंबर पे मीठा वाला और तीसरे नंबर पे सादा वाला। तो ये मेरा रिव्यू है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको चाहते हो कि हम किस टॉपिक में वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हो कि इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, तो हम आप देने वीडियो को देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।